तो गाइस ये पूरा पूरा सूख चुका है, दिखाना भाई एक बारी। देखो पूरा सूख गया, और सूखने के बाद देख रहे हो जब पानी मारती है कितनी वो हो जाता है, देखो फेड हो जाता है। ये देखो फेड पड़ गया पूरा। अब इस पर हम पॉलिश अप्लाई कैसे करेंगे? तो अभी मैंने सिर्फ पॉलिश लगा के रगड़ी, अभी मैंने कपड़ा नहीं मारा। देखो अभी कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है। हल्का कपड़ा हो तो हमारे पास कॉटन का बिल्कुल हल्का पतला कपड़ा होता ना, उससे और अच्छा रिजल्ट आता है। वेलकम बैक गाइस, आई होप सारे अच्छे होंगे। यार मैंने कहा था जैसे कि मैं स्कूटी में अप्लाई की थी जो पॉलिश वेवेक्स, वो मैं गाड़ी पर अप्लाई करूंगा। गाड़ी के इंटीरियर में आज अप्लाई करूंगा, और प्लास्टिक पार्ट्स जो होते हैं इसके गाड़ी के, जो ब्लैक जो फेड पड़ जाते हैं, वाइट वाइट हो जाते हैं, उन पर अप्लाई करूंगा और दिखाता हूं आपको रिजल्ट क्या निकल के आता है। और स्कूटी में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आया। ठीक है, तो पहले मैं गाड़ी धो लेता हूं। यार धोनी तो पड़ेगी मेरे को, और वैसे मेरी गाड़ी अंदर से साफ़ सुथरी तो है, पर मैं थोड़ा और साफ़ कर लेता हूं इसको, और आपको पॉलिश अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इंटीरियर में कैसे पॉलिश। बने रही है व्लॉग में, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, यार मैंने जब लास्ट टाइम स्कूटी साफ़ की थी तो मैंने साफ़ की थी अपने रिन से, तो आज मैं गाड़ी फिर रिन से साफ़ करूँगा और आपको रिजल्ट दिखाऊँगा। बाहर से भी धोने वाला हूँ गाड़ी, और अंदर से भी धोने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो, बाहर से धो लेता हूँ और अंदर से धो लेता हूँ, और यही अपना रिन अप्लाई करूँगा। और पानी वो रखा है बाल्टी और मग वगैरह, तो धोते हैं। भाई हमेशा धोने से पहले गाड़ी झाड़ लिया करो, उसके बाद ही इस पर पानी से आप धोया करो, क्योंकि फिर आप झाड़ोगे नहीं, सीधा पानी लगाओगे तो गाड़ी गंदी रहेगी, ऊपर से स्क्रैचेस और लगेगा जब आप धोओगे। तो पहले झाड़ लो, उसका थोड़ा पानी लगाओ, उसके बाद आप साबुन जो शैम्पू जो लगाने वाले हो, मैं तो रिन लगाने वाला हूँ, फिर वो अप्लाई करो, उसको ढंग से धो जब तक उसका साबुन निकल ना जाए, तो गाड़ी पे चिकनाहट रहती है और वाइप रहती है। तो गाइस ऐसे धोनी है बाहर से, अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ अंदर से कैसे धोनी है। अंदर से भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, जिसकी ज़्यादा गंदी है गाड़ी, जैसे स्कूटी धोई थी, ब्रश से रगड़ के धोओ अंदर से, इतना ज़्यादा भी मत रगड़ देना भाई, हल्का रगड़ना, ज़्यादा भी नहीं रगड़ के उसको ड्राई होने देना है। ठीक है, तो मैं आप अंदर से धो लेता हूँ, अंदर से मेरे से गाड़ी साफ है, मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं है। ब्रश कैसे अप्लाई करना है वो आप स्कूटी वाली वीडियो में देख लेना, जो मैंने डैशबोर्ड की बनाई है एक्टिवा और एंटॉर्क की, लिंक मैं उसका आपका आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब मैं इसके इंटीरियर पे थोड़ा पानी से साफ़ करूँगा, क्योंकि मेरी अंदर इंटीरियर साफ़ है अंदर से, तो पानी से साफ़ कर लेता हूँ, तब तक वो सूख जाएगा, और फिर अंदर और बाहर से और प्लास्टिक्स पे और टायर्स पे पॉलिश अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखते क्या रिजल्ट निकल के आता है। सो गाइस चेकआउट कर लो मेरा इंटीरियर, वैसे साफ़ रहता है इंटीरियर मेरा ये, पर इसमें देखो अभी भी मिट्टी जमी हुई है। देखो दिखाना भाई, जरा पास से दिखाओ, देखो हल्की हल्की मिट्टी जमी हुई है, इसमें मिट्टी है। इंटीरियर हमेशा गंदा हो जाता है यार, डोर हमेशा बंद करके चलानी चाहिए गाड़ी, और मिट्टी वाले इलाके में हमेशा बंद करके चलानी चाहिए। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें हल्का सा गीला कपड़ा है मेरा, क्योंकि मैंने साफ़ किया हुआ है, रगड़ के धोया कुछ दिन पहले, वो मैंने वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर। तो देखो ये गंदा है, पास से देखो पूरी गंदा है। अब मैं इसमें मार रहा हूँ कपड़ा, देख लेना साफ़ होगा थोड़ा। ये देखो कितना फ़र्क है इसमें और उसमें, यह साफ़ मैंने कपड़ा मारा, ये गंदा है, इतना गंदा है। इसके बाद पॉलिश अप्लाई करूंगा, इसके बाद इससे और ज़्यादा शाइन आएगी। ठीक है, सो गाइस मैंने थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए मैंने इतना साफ़ किया है। ठीक है, और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, अभी मैंने इसको सिर्फ साफ़ किया। ठीक है, अब सूखने के बाद फिर वो ऐसा हो जाता है, देख रहे हो ये ऐसा हो जाता है, ड्राई हो, इसको ड्राई हो गया पूरा। देखो ड्राई होने के बाद ये फेड हो गया। ठीक है, तो कैसे इसमें पॉलिश अप्लाई करनी है, अब मैंने इसको थोड़ा साफ़ किया है, इसका जो पानी इस पर लगा है सूखने दो इसको, पहले सूखने दो प्रॉपर, जब सूख जाएगा ठीक है उसके बाद इसमें पॉलिश अप्लाई करनी है, और पॉलिश कैसे अप्लाई करनी है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, तो अभी चेकआउट कर लो, मैंने इसमें मान लिया पूरा, आगे के मैंने अभी आगे के किया आपको दिखाने के लिए,
कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने आगे के साफ़ किया अभी, ठीक है। और इसी पार्ट में मैं अभी पॉलिश अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, और बाहर से पॉलिश अप्लाई करके दिखाऊंगा थोड़े से पार्ट में, ठीक है। और जो अपने प्लास्टिक पार्ट बाहर के होते हैं, जैसे बम्पर के जो ब्लैक कलर के पार्ट्स होते हैं, वो हो गया। और ये अपने वाइपर्स हो गए, वाइपर्स फेट पड़ जाते हैं, जो भी मतलब ब्लैक ब्लैक पार्ट्स आप समझ रहे हो, जिन जिनके पास गाड़ी है उनको पता होगा कि जैसे ये ब्लैक पार्ट्स जो बाहर के ब्लैक पार्ट ग्रिल व्रिल में होते हैं, वो ब्लैक की जगह वो व्हाइट व्हाइट पड़ने फेड पड़ने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा वाइटनेस आ जाती है उसमें। तो जिस जो ये पॉलिश मैं उसमें अप्लाई करने वाला हूँ वेवेक्स की ऑटो केयर की, ठीक है, तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, स्कूटी में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला हमको, ठीक है। अब गाड़ी में क्या अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, तो ये जो पॉलिश है ये वेवेक्स की ऑटो केयर की पॉलिश है, और ये प्लास्टिक के लिए, रबड़ के लिए, ठीक है, फाइबर के लिए, इस सब पे कैपेबल है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पॉलिश अप्लाई करके, जैसे ही सूख जाता है, तो गाइस ये पूरा सूख चुका है, दिखाना भाई एक बारी, देखो पूरा सूख गया। और सूखने के बाद देख रहे हो जब पानी मारती है कितनी वो हो जाता है, देखो फेड हो जाता है, ये देखो फेड पड़ गया पूरा। अब इस पर हम पॉलिश अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पॉलिश कैसे अप्लाई करनी है। देख रहे हो गाइस फेड पड़ गया है, और कैमरे में तो भाई क्या बोले, वाह चमका के दिखाता है बिल्कुल, पर आपको जब पॉलिश लग जाएगी इसके बाद इससे ज़्यादा चमका हुआ दिखेगा, क्योंकि कैमरा तो जस्टिस करता नहीं है, ठीक है। तो ये देख लो, अभी थोड़ा थोड़ा देख रहे हो वाइट वाइट पड़ा हुआ है, ये वाइट है, ये भी वाइट है, इधर छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो, ये वाइट पड़ा हुआ है, एक्चुअल में वाइट है, ठीक है। तो अब ये वेवेक्स की पॉलिश है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये स्कूटी की जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था इसको। तो ये प्लास्टिक इंटीरियर के लिए भी है, सब कुछ यहाँ पर लिखा पड़ा है इस पर, ठीक है, यहाँ लिखा है सारा का सारा भर भर के, जब आप लोगों को तो आप पढ़ लेना पूरा, ये रहा भर भर के लिखा हुआ है कि प्लास्टिक रबड़ वगैरह के टायर पर भी अप्लाई करूँगा। अभी फिलहाल मैं इसके इंटीरियर पर अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको। तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना, इतनी सी पॉलिश लो हल्की सी, इतनी पॉलिश ले लो शुरू में, और यूं करके गिरा दो पहले हल्की सी, ऐसे गिरा दो और खिला दो उसको, पहले एक ही पार्ट को कर लो, एक एक करके एक एक पार्ट करके करो, ठीक है। और ले लो ये पूरी पूरी पूरी, ठीक है। क्या करना है, पॉलिश लगाई, हाथ लिया अपना, हाथ से करना है, कपड़ा नहीं लगाना। अभी सब क्या करते हैं, और शोरूम में भी यही करते हैं, क्या करते हैं, स्प्रे मार देंगे पॉलिश से, और बस कपड़ा भी नहीं मारा, हो गया, वही पॉलिश जमती है और इंटीरियर वाइट होता है, ठीक है। तो अब मैंने लगा दिया इसमें पॉलिश, ठीक है। अब इसको हाथ से रगड़ना है, गोलो रगड़ो, लंबा रगड़ो, वो आपकी मर्जी है, मैं जैसे रगड़ रहा हूँ वैसे भी रगड़ लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो रगड़ो इसको ऐसे जब तक ये थोड़ी सूख ना जाए तब तक रगड़ना है, ड्राई ना पड़ जाए, ये तो फ्री, अगर गीली रहेगी तो फ्री ये फेड हो जाएगी, तो जम जाएगी पॉलिश, पॉलिश जमी जमती इसलिए क्योंकि आप उसके ऊपर पॉलिश ऐसी लगी रहने देते हो और वो गीली गीली रहती है, तब जमती है। अब ये ड्राई हो जाएगी तो जमेगी नहीं। तो अब इसमें मैं इसको गोल गोल करके, जब तक सूखेगी नहीं हल्की हल्की, तब तक मैं इसको घुमाता रहूँगा। चीज़ और बता दूं आपको, एक चीज़ और बताना भूल गया यार मैं अभी साथ साथ, भाई स्टीयरिंग पर जब आप पॉलिश अप्लाई करोगे तो सिर्फ इतने पार्ट पे ही अप्लाई करना, कहीं आप यहाँ लगा रहे हो पूरे का पूरे, इधर भर के लगा रहे हो, इधर यहाँ मत लगाना भाई, बिल्कुल भी मत लगाना, स्टीयरिंग फिसलेगा, आपके हाथ से ग्रिप लगा रहे कोई फायदा नहीं रहेगा, और जब भी आप मोड़ोगे तो फिसलेगा आपके हाथ में, ठीक है। तो इतने ही एरिया पे पॉलिश लगानी है स्टीयरिंग पे, और इस पे आप सिर्फ कपड़ा मारो मेरे हिसाब से, ठीक है, कपड़ा मारो, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप पॉलिश मारना चाहो मार सकते हो, पर मेरे हिसाब से भाई मत लगाओ, हाँ फिसलेगा पूरे ऊपर स्टीयरिंग, ठीक है। तो अब मैं इसमें कपड़ा मारता हूँ, स्टीयरिंग पे पॉलिश लगी हुई है, देखो देख रहे हो गाइस रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, पूरा पूरा मार के ऐसे गोल गोल मार लीजिए, और उसके बाद मैं आपको पूरा एक वीडियो में दिखाता हूँ कि कपड़ा मारने के बाद इंटीरियर में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और ऐसे ही मैं आउटर में मारूंगा हल्का एक पार्ट में, वो एक पार्ट आपको दिखा दूंगा, और बाहर के प्लास्टिक पार्ट पे मारूंगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। देखो गाइस फर्क देख रहे हो, ऐसा रगड़नी जब तक ये ड्राई ना पड़ जाए, देख लो ड्राई पड़ गई है हल्की हल्की, ठीक है।
अब मैं पूरी की पूरी गाड़ी में यहाँ आगे के इंटीरियर में मैं अप्लाई कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट निकल के आया। बिफोर आपने देख ही लिया है, अब उसका आफ्टर देख लो पॉलिश के बाद कैसे लगता है। अब मैं इसमें लगता हूँ रगड़ के, हालत तो खराब होने वाली भाई, तो लगता हूँ उस पर। ठीक है, सो गाइस मैंने इसमें पॉलिश अप्लाई कर ली है, ठीक है, पूरी की पूरी पॉलिश अप्लाई कर ली, हाथ से रगड़ी है। ठीक है, अब इसमें हम हल्का सा अपना कपड़ा मारेंगे। ठीक है, कपड़ा कौन सा, आप कॉटन का हल्का कपड़ा ले सकते हो। ठीक है, हल्का कपड़ा बिल्कुल, और मेरे पास अभी है नहीं अवेलेबल, मैंने ये वाला ले लिया है, कोई भी नॉर्मल सा पड़ा था मेरे पास, पर ये हल्का पतला है। ठीक है, वो मैं ले रहा हूँ, और इस पे डैशबोर्ड में हल्के हाथ से मारनी है, हल्के हाथ से कपड़ा मारना है पॉलिश के ऊपर। ठीक है, आप कैसे मारो और देखो, उसके बाद इसकी शाइन और डबल हो जाएगी, और अभी तो अच्छा आउटपुट आ ही रहा है, देख रहे हो जैसे आप चमक रही पूरी गाड़ी, पूरी गाड़ी अंदर इंटीरियर से। ठीक है, तो अब मैं ऐसा मार लेता हूँ कपड़ा। सो गाइस अब मैं टायर में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ आपको ये पॉलिश, टायर पे कैसे अप्लाई करनी है भाई, हाथ से आपने इंटीरियर में करनी है और गाड़ी के एक्सटीरियर पे करनी है। ठीक है, पर टायर पे आपने हाथ से अप्लाई नहीं करना, एक कपड़ा ले लो। ठीक है, कपड़े में पॉलिश लगाओ, यूँ ज़्यादा मत लगा लेना, हल्की लगानी है, धीरे धीरे करके लगाओ, लगाओ यूँ करके और यूँ करके लगा लो। और सो गाइस ये पूरा आउटपुट आ रहा है अपना पॉलिश अप्लाई करने के बाद टायर पे, तो टायर पे कैसे अप्लाई करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंटीरियर पे कैसे अप्लाई करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, रह गया एक पार्ट, वो रह गया ये वाला, और एक यानी दो पार्ट रह गए, कौन कौन से रह गए, एक ये वाला पार्ट रह गया जो फेट पड़ जाता है, ये वाला, और ये जो पार्ट है ये हमेशा वाइट की जगह पर वाइट फेड हो जाता है ब्लैक की जगह पर, ये हो गया, ये देखो ये फेड देख लो भाई, पहले फेड कितना, पहले ये पार्ट सूख गया, ये पूरा फेड हो रखा है। अब देखो पॉलिश के बाद, सो गाइज मैंने सारे के सारे पार्ट कर दिए। ठीक है, मैंने टायर कर लिया, मैंने इंटीरियर कर लिया, ठीक है, और एक्सटीरियर के जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, जो ग्रिल्स होती हैं आगे की, जहाँ पे सुजुकी लिखा रहता है मेरी गाड़ी में, जहाँ पे ब्लैक पार्ट्स हैं, इसके वाइपर्स हो गए। ठीक है, जो जो पार्ट्स में पॉलिश की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ वहाँ मैंने लगा दिए। सो गाइज अब देख लो इसका आउटपुट पॉलिश का क्या आया है, मैंने लगा दी पूरी, प्रोसीजर मैं आपको पूरा बता दूँ क्या था। पहले आपने पूरी गाड़ी झाड़नी है, अंदर बाहर से झाड़नी है पूरी, झाड़ने के बाद आपको पानी लेना है, पानी से जितने भी गंदगी लगी वो हाथ से रगड़ के साफ़ करनी है, फिर रिन लगाना है या कोई भी साबुन आपको लगाना है, शैम्पू लगाना है, जो भी लगाना है उससे लगा के अप्लाई करके धोनी है, और पानी से फिर धो लेना अच्छी तरीके से जब तक गंदगी निकल नहीं जाती। ठीक है, उसके बाद उसको सुखा लेना है गाड़ी को, सूखने के बाद फिर आपने पॉलिश अप्लाई करनी है, पॉलिश आपने हाथ से अप्लाई करनी है इंटीरियर में और एक्सटीरियर में हाथ से अप्लाई करनी है। ठीक है, और जो उसके वाइपर्स हैं और इसके जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं वहाँ पर आप कपड़े से लगा सकते हो, और टायर्स पर भी आप कपड़े से लगा सकते हो। ठीक है, तो इंटीरियर में जब आप हाथ से लगा लोगे, हाथ से लगाने के बाद आपको हाथ से रगड़नी है, रगड़ने के बाद बिल्कुल जब तक ड्राई ना हो जाए पॉलिश, उसके बाद आपने कपड़ा लगाना है हल्का सा, फिर चमक जाएगी पूरी गाड़ी। अब इसका आउटपुट आप देख लो कैसा आया है। सही, हाँ मैंने अप्लाई करी है, देखो ये पूरा ब्लैक पार्ट हो गया सारे के सारे, ये वाइट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी वाइट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने अप्लाई किया, और इसके वाइपर्स देखो, वाइपर्स में कितने ब्लैक हो गए इसके, और इसका इंटीरियर ये है, इसका इंटीरियर देखो, इंटीरियर कितना चमक रहा है इसका, पॉलिश बिल्कुल गीली नहीं है भाई, ये देखो गीली नहीं है बिल्कुल भी, सूखी है। ठीक है, ये इसका इंटीरियर हो गया, और ये रहा गाइस इसका टायर का आउटपुट, ये इसका टायर का आउटपुट है, देख रहे हो, मैंने एक ही टायर पर अप्लाई किया आपको दिखाने के लिए, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपने देखा ही पॉलिश का कितना अच्छा आउटपुट निकल के आया, और स्कूटी में भी कितना अच्छा आउटपुट निकल के आया। ठीक है, इंटीरियर मेटल ये पॉलिश वेवेक्स की है, ये रियो पॉलिश वेवेक्स की, आपको चाहिए तो आप भी मंगा सकते हो, वेवेक्स ऑटो केयर की पॉलिश है, तो मैंने ये आप पूरी की पूरी गाड़ी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।